लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल लॉ को डिस्कस किया था। ट्रायंगल लॉ के अंदर अगर मैं बहुत शॉर्ट इसको समझाऊं तो हमने ये डिस्कस किया था, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है, चाहे वो दो वेक्टर फोर्स के हों, चाहे वो दो वेक्टर्स वेलोसिटी के हों, चाहे एक्सलरेशन के हों, किसी के भी हों, तो आप उन्हें अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ साइड्स ऑफ ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। और कैसे? टेकन इन कॉन्टिन्यूस ऑर्डर। मतलब अगर दो फोर्सेस को ऐड करना है तो एक फोर्स को आगे, एक फोर्स का वेक्टर उसके पीछे लगा दें, तो साइड ऑफ ट्रायंगल बन गया। जैसे एक फोर्स का नाम है ए वेक्टर, एक फोर्स का नाम है बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। अब मैंने ये बताया था कि अगर फोर्स 10 न्यूटन है तो साइड ऑफ ट्राइंगल ए 10 न्यूटन हो जाएगी। अगर दूसरी फोर्स 20 न्यूटन है तो साइड ऑफ ट्राइंगल यानी कि लेंथ 20 हो जाएगी, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे इसके अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो साइड है, साइड ऑफ ट्राइंगल वो ए वेक्टर है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी ए, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बी। तो ये जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल है, देख रहे हो क्लोजिंग साइड, ये आपको एडिशन ऑफ वेक्टर देगा आर वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, आंसर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आर। जो दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर ए वेक्टर है, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन पूछें तो इस तरफ खत्म नहीं होगी, चलती जा रही है, बी वेक्टर इस तरफ है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीट है। दो डायरेक्शंस, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीट है, दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल थीट है, कोई डाउट इसमें? तो ये आपको थीटा गिवन है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आर निकालना है बाई ज्योमेट्री। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लें, इसका नाम जैसे पी है, ओ है, इसका नाम पी है, ये क्यू है और ये एन है, कुछ ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो आप आर निकालने के लिए एक काम करें, पहले राइट एंगल ट्राइंगल पूरे का पूरा ले लें, दैट इज ओ पी का स्क्वायर ले लें। ओ पी का स्क्वायर इज ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर का मतलब क्या है, ओ क्यू प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस ये ले लें दैट इज पी एन का स्क्वायर। फिर आप इसे ओपन करें, ओ पी स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर, तो आगे लिख लें, फिर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ क्यू इंटू क्यू एन कर लें। ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक? ओपन कर लिया। फिर आप राइट एंगल छोटे वाला ट्राइंगल लें, इसके अंदर पाइथागोरस लगाएं, तो पी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर कर दें। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें क्यू एन प्रेजेंट है, इसमें पी एन भी प्रेजेंट है, इन दोनों की जगह पी क्यू रिप्लेस कर दें, तो ओ पी का स्क्वायर इन दोनों की जगह पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस टू ओ क्यू इंटू क्यू एन, ऐसा कर दें। और लास्ट स्टेप है, इसमें वैल्यूज पुट करें, ओ पी, ओ पी का मतलब लेंथ क्या है आर, पी क्यू, पी क्यू का मतलब लेंथ क्या है बी, ओ क्यू, ओ क्यू का मतलब लेंथ क्या है ए, ओ क्यू का मतलब लेंथ क्या है ए, क्यू एन, ये क्यू एन, तो ये बन गया। एक काम करें, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाई बी कर लें, तो क्यू एन की वैल्यू बी इंटू कॉस थीटा कर लें, तो क्यू एन की जगह बी इंटू कॉस थीटा कर लें, ये लें, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस थीटा, ये लो, ये आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल, पेपर में 100% आएगी, स्टेटमेंट के साथ आएगी, और 3 नंबर की 100% आएगी पेपर में, और बोल, मतलब एक तो होता है 90%, 100% आएगी, इसके अंदर पेपर सेट नहीं होगा। स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल लॉ, स्टेट एंड प्रूफ पैलोग्राम लॉ, स्टेट एंड प्रूफ पॉलीगन लॉ में से क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है? तो ये क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये देखो, टेन ऑफ बीटा। देखो इसके अंदर मैंने बताया था जो रिजल्टेंट है उसका एंगल सपोज कितना है, बीटा। तो
रिजल्टेंट के एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट करना है, टैन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस पी एन डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है, ओ क्यू प्लस क्यू एन, ओ क्यू प्लस क्यू एन. अब टैन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू पी एन, पी एन का मतलब इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू पी एन डिवाइडेड बाय बी, तो पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू साइन ऑफ थीटा. फिर ओ क्यू, ओ क्यू का मतलब तो क्लियर है ए है, और ऐसे ही किसकी वैल्यू आ गई, क्यू एन, और क्यू एन की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ये आपके पास टैन बीटा का फॉर्मूला आएगा. टैन बीटा देने का मतलब रिजल्टेंट का एंगल देना, बीटा देना, रिजल्टेंट का एंगल का मतलब डायरेक्शन देना, एक ही बात है. तो आपने दोनों पार्ट करके आने हैं, चाहे पूछे चाहे ना पूछे, आर वेक्टर का मतलब दोनों पार्ट निकलने ही चाहिए. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो स्टेटमेंट क्या चीज़ है, स्टेटमेंट एंड में पढ़ लें. स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर. अगर दो वेक्टर को साइड ऑफ ट्राइंगल बनाए, टेकन इन सेम ऑर्डर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. तो डेफिनेशन भी लिख लेंगे. तो डेफिनेशन हो गई, जब प्रूफ आएगा तो आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें बीटा भी बनाना है, यहाँ इस डायग्राम में बीटा भी कर लें, यहाँ पे मिसिंग है, ये बीटा बना लें यहाँ पे. तो बस बीटा ये डायग्राम बना दें, इस डायग्राम के बाद रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखें. तो जैसे मैंने ट्राइंगल दिए, ये निकालें, फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट लें और ये निकालें. यहाँ तक क्लियर है? जब आप इसे करेंगे, है ना, जब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मैंने बताया था कि अगर आपके पास लेट अस सपोज दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी पैक कर रही हैं, एक फोर्स है 10 न्यूटन, एक फोर्स है 20 न्यूटन, और एंगल दो फोर्सेस के बीच में 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बीटा है या थीटा है, कंफ्यूज हो गए, बीटा है कि थीटा है, आपको लगा यहाँ एंगल है तो बीटा, बोलो ये बीटा है कि थीटा है, लग तो बीटा रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड पे एंगल बना है, थीटा ही है. देखो अगर आप ध्यान से वो डायग्राम देखो, बिल्कुल सही, दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा थीटा होता है. मैंने रिजल्टेंट तो बनाया ही नहीं इसमें, वो तो रिजल्टेंट का एंगल बीटा होता है, वो तो मैंने बनाया ही नहीं. तो दो वेक्टर के बीच में एंगल इज ऑलवेज थीटा, तो बेसिक डायग्राम ये थीटा ही है. हाँ वो अलग बात है, इसको उठा के यहाँ रख के हमने थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सीन किया था, पर दो वेक्टर के बीच में एंगल इज ऑलवेज थीटा. तो ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स. अब नेट फोर्स में क्या होगा, नेट फोर्स में अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर 30. तो यहाँ पर एंगल हमेशा क्या आता है, जो वेक्टर के बीच में एंगल होता है जो कि इसमें 30 है. कोई डाउट इसमें? आंसर आ गया लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, आपको साथ में क्या देनी है, इसकी डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए टैन बीटा. बस अब मुझे ये बताओ, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा थोड़ा आएगा डायग्राम बना के थोड़ा देगा, क्वेश्चन में कहेगा देर आर टू फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन और 30 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं, थीटा दे देगा आपको. ये थोड़ा कह रहा है कि पी 10 है या क्यू 20 है, वो तो आपने खुद लेना है. तो आपने खुद लेना है. तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला ये था बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस, ये फॉर्मूला है ना, तुम्हें क्या पता कौन ए कौन बी, लिख के थोड़ा दे रहा है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तुम उल्टा भी तो कर सकते हो न्यूमेरिकल में. तो न्यूमेरिकल करते हुए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये आती है, सर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो सब ठीक, जब तक मैं कर रहा हूँ तो सोचता ही कौन है, ठीक है हाँ हाँ आ गया आंसर. जब तुम करोगे अरे ये क्या हो गया, 10 लूँ कि 20 लूँ, पहला क्वेश्चन यही माइंड में आएगा. तुम इसको ऐसे मत याद करो ए और बी करके, तुम इसको ऐसे याद करो. ध्यान से देखना क्या ट्रिक है जो मैंने याद की हुई है. जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो कहीं बीच में बनता है, मतलब जो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल कुछ अगर आपको याद हो तो पहले मैंने इसको उठा के यहाँ रखा था, है ना, 20 न्यूटन, फिर ये ऐसे बना था, ये रिजल्टेंट, ये एंगल बनता है बीटा, ऐसे था ना बीटा, ये बीटा है. मुझे सिर्फ ये बताओ बीटा एंगल किसके साथ बना हुआ है, 10 के साथ कि 20 के साथ, 10 के साथ बना हुआ है ना, किसके साथ नहीं बना हुआ, स्टार्ट विथ 20, जिसके साथ बना है उसका कभी स्टार्ट नहीं करना. तो आंसर
tan ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू 20, 10 नहीं जिसके साथ नहीं बना, 20 इंटू साइन ऑफ 30 अपॉन, यहां पर तो 10 आएगा, अगर ये 20 है तो 10 हो जाएगा, 20 इंटू कॉस ऑफ 30। मतलब मैंने ऐसे याद किया हुआ है, जिसके साथ एंगल नहीं बना मैं उस वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, और जिसके साथ बना हुआ है वो यहां पे आएगा बस। अब P है, Q है, A है, B है, मैं देखता ही नहीं, पर जिसके साथ नहीं एंगल बना मैंने स्टार्ट वहां से, उस फोर्स से करना है, खत्म का नहीं, कोई P नहीं, कोई Q नहीं, कोई A नहीं, कोई B नहीं, बात ही खत्म। स्टेटमेंट में दो आंसर हो सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने किसके साथ दिया। वैसे डायग्राम उसको बना के देना चाहिए होता है, ठीक है, पर अगर डायग्राम दे भी दे, कई लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें। हाँ फिर तो चलो फिर भी मान लेते हैं ए और बी है, पर अगर चलो कोई ऐसा डायग्राम आ जाए जिसमें ए भी मेंशन ही नहीं है, तो बस बता दिया टैन बीटा, उसके साथ शुरू करो जिससे एंगल नहीं बना हुआ, कभी गलती नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ट्राइंगल लॉ क्लियर है, ठीक।